जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। डीबी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को, आपको आज के दिन किसी भी सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हैं अथवा आप सरकारी नौकरी में हाथ डालना चाहते हैं तो आपका काम आज सिद्ध संपन्न हो सकता है एवं नई शिखर, नए ऊंचाइयों को आप आज के दिन छू सकते हैं। दूसरी राशि वृख। वृख राशि वालों को घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध, शत्रु आपके परास्त होंगे। पूर्ववत प्रतिष्ठित किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा राज्य स्टेट गवर्नमेंट में आप कार्यरत हैं तो नए पद को और प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्वास्थ्य मध्यम। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को संतान पक्ष से आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा, कृषि व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नया व्यापार छू सकते हैं अथवा प्रारंभ कर सकते हैं। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य आपका आज बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और मध्यम रहेगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले भूमि भवन से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग में आपको लाभ प्राप्त होगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले आज आप फैक्ट्री, प्लांट अथवा कोई नया काम कर सकते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन किसी भी कार्यरत व्यापार से संबंधित आप बाहर जा सकते हैं, आपका काम संपन्न हो सकता है। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को नए भाग्य का उदय, पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां एवं कृषि या व्यापार क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूना आज आपके योग में बन रहा है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आपको आज के दिन वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क रहना है अथवा आप किसी व्यापार में हाथ डालते हैं तो आपके लिए आज के दिन नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। आज आप भगवान नारायण, कृष्ण, राम, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें अथवा पुखराज नाम व्रत धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ वंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।